हेलो, चल खड़ी हो, हिम्मत कैसी? ओ महक, क्या बात है, तुम तो बहुत बदल गई, एकदम मॉडल जैसी लग रही हो देखने में, बहुत सुंदर लग रही हो। आई नो आई एम ब्यूटीफुल, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रही है? पता है बोलना तो नहीं चाहिए, अभी तूने बोला कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। हाँ, काश ये बात मैं भी तुझे बोल पाती, लेकिन सच बताऊँ तो तू पहले से और भी ज्यादा बदसूरत और बहुत भैंजी टाइप लग रही है। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पता है, हमें शुरू से सूट और साड़ी पहनने का शौक था, इसीलिए सूट पहने हैं आज। अच्छा लग रहा है ना, कितना सुंदर सूट है। वो ऑनलाइन मंगाई है मम्मी हमारी, ऑनलाइन। हम वैसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं ना, वो पहली बार मंगा दी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे कपड़े पहनने का ढंग ना पहले था और ना आज है, और तू मेरी गाड़ी के पास कर क्या रही थी? अरे कुछ नहीं, गाड़ी के पास क्या कर रहे थे, हमारा पैर मुड़ गया था, नहीं तो बस गिर गया, तो सहारा ले लिए। अच्छा, तूने भी मेरी गाड़ी के ऊपर हाथ रखा था ना? हाँ, इसका सहारा लिया था हमने। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ? तेरी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? एक बार खुद को देखा है, कितनी गंदी है, तुझसे घिन आती है मुझे। तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया, तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है, तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा मेरी गाड़ी खरीदने में, समझी तू? क्या बोल रही हो तुम, गाड़ी हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है जिंदगी में तुम्हारे। बिल्कुल है, तूने नाम भी सुना है इसका, स्कोडा है, स्कोडा। अरे तो खुद बिक जाएगी इसको खरीदने में। अरे देखिए मैम, ये कोई सी भी गाड़ी हो ठीक है, हमें गाड़ी से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता ना, ज्यादा इसकी नॉलेज है हमें, ठीक है, हम अपने आप में बहुत कुछ है। और मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं था, हमारी दोस्त हो के एक साथ स्कूल में पढ़ती थी यूपी में, भूल गई ना? मैंने किसने कहा कि मैं तुम्हारी दोस्त थी? ना मैं तुम्हारी दोस्त थी और ना हूँ, तो अपना ना ये दोस्ती का नाटक बंद करो। और हाँ, अगर तुमसे दोस्ती रखी भी थी ना, वो सिर्फ झूठी दोस्ती थी, वो भी तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। तुम पढ़ने में अच्छी थी, तुमसे हमारा काम हो गया, तो अब तुम किस बात की दोस्त हो? मेरी तो मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। ये तुम्हारे दिल्ली के नए दोस्त बने क्या? यूपी से आके इनसे दोस्ती करी हो? दिल्ली के है ये, अच्छे है ये भी। तुम लोगों का गाँव कहाँ है? तुम लोग भी यूपी बिहार की साइड के हो? हेलो, तू पागल वागल है क्या? तू एक गवारी, तुझे लगता है सारे दोस्त गवारी होंगे? ये बहुत स्टैंडर्ड के लोग हैं, तेरी तरफ टीचर नहीं है, और मेरे दोस्त से तो बात ही मत कर। क्या गवार गवार लगा रखे हो? तुम्हें पता हम पढ़ने में कितने अच्छे थे, और हमें गवार गवार बोल जा रही हो? तनी ना ये इंग्लिश बंद करिए, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, समझ आ गई? जो ज्यादा बोली जा रही चपर चपर करके। और तुम हमारी दोस्त थी, तुम्हारी इज्जत कर रहे थे, हम तो देख के खुश हो गए तुमको, और तुम्हारा तारीफ करे क्योंकि तुम अच्छी लग रही थी देखने में, और चाहते तो हम भी तुम्हारा बेइज्जती कर सकते थे। इंसान को बेइज्जती करने के लिए पॉइंट बहुत मिल जाता, समझ आ गया? लिसन, पहली बात तो ये, मैं सुंदर हूँ तो सुंदर ही बोलेगी, और दूसरी बात ये, तेरी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त का मुंह तोड़ने की है? तेरा मुंह ना अब मैं तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी तू? थोड़ी ना पास में रह के बात कर। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना बदल गई हो, इतना घमंड आ गया तुम में। ये भी का पैसों से खरीदा है क्या? हाँ, अरे लोगों के पास कितना पैसा होता है लेकिन इंसान का घमंड नहीं जाता, इंसान साफ दिल का होता, अच्छे दिल का होता, लेकिन तुम कभी अच्छे दिल की नहीं थी। स्कूल में भी सबके बेइज्जती करती रहती थी, वहां भी नचड़ी नचड़ी रहती थी, और आज भी नचड़ी हो वैसी की वैसी। तुमने उम्मीद कैसे कर ली कि जब मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छी नहीं थी, अच्छी रहूंगी? और तू भी बदली नहीं है बिल्कुल भी, पहले भी तू बदसूरत, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, देखने में भी इतनी भद्दी सी, बात करने की अक्कल नहीं, और अभी भी तू वैसी है, और अब तो तेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई, पता है तुझे? देखो अपनी ना जुबान संभाल के बात करो, तुम जानती नहीं हो हमको कौन है हम, ठीक है? और आज ना हमारा घर शिफ्ट हो रहा है इस सोसाइटी में, समझ आ गई? इसलिए थोड़ा हुलिया इस तरीके से रखे हुए, वरना तुमसे ज्यादा अच्छे बंधन के रहते हैं हम, समझे तुम? अच्छा, तुमने इस सोसाइटी में घर लिया है? हाँ लिया है। इसमें बेटा तेरी साफ पुष्ट निकल जाएगी यहाँ पे घर लेने के लिए, पता भी है कितनी महंगी सोसाइटी है, मुझे अच्छे से पता है। तेरी आदत नहीं गई होगी ना शॉप करने की, पक्का तेरे मालिक ने यहाँ पे फ्लैट लिया होगा, अब नौकर को तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा ना, तुझे दिया होगा अपने घर में एक छोटा सा कोना, और उसे अपना घर बता रही है अब तू। हाँ बोली तो कि हमारा मालिक यहाँ रहता होगा, उसके साथ हम रह रहे हैं, वो हमें नौकर। अच्छा सही पहचानी, वैसे अब तुम्हें बता भी क्या रहे हम कौन है क्या करते हैं, तुम तो वैसी, तुम क्या करती हो वैसे, कितना कमा लेती हो? मैं एक महीने का पूरा 1.5 लाख कमाती हूँ। हाँ 1.5 लाख कमाती हो, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी तितलियाँ भी 1.5 लाख कमाती हैं क्या? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम कितना कमाते कितना नहीं, और वैसे भी तेरे जैसे लोगों को ना मैं नौकर रखती हूँ अपना, समझ में? कुछ झाड़ू पोछा और जूते साफ करवाती हूँ। मिल गया जवाब? सबका पहनावा देख के लग रहा कितना नौकर रखती होंगी। तुमसे ज्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस है हमारा, समझ में? और हाँ, नौकर ना तुम जैसे लोगों को रखते हैं
तो अपनी बकवास बंद करो। हाँ, हमारे भी ऑफिस में लड़की है, प्यून का काम करती है, सरोजनी नगर जाके कपड़े लाती है और ऐसे ही कपड़े पहनते है, तो तुम चारों वहीं से लाती हो क्या? देखो तुम अपने हद में रहो, ये भूल जाओगे कि तुम महकी दोस्त हो, इतना थप्पड़ बजाओगे ना गाल में टूट जाएगा मुंह। ओ मैडम आवाज नीचे करके बात करिए, जानती नहीं हो हम कौन है, एक थपड़िया देंगे ना नीचे लौटती फिरोगी, समझी तुम? ओ चमक चलो, पहले जाके ना बोलने का सेंस सीख किया, और क्या लगा रखा यूपी से आई नो कि यूपी के लोग कैसे होते हैं, भारी भारी छमछमिया से पायल पहन लेते हैं और बोलने का तो सेंस ही नहीं है। तो हमारी यूपी की बुराई कर रही हो, हम तो तेरी भी बुराई करेंगे, बोल क्या करेगी तू, होती कौन है मुझे ये बात बताने वाली? हाँ खुद पहनती होगी तो औरों के मांगे हुए कपड़े, हम ना अपने पैसों से कमाते और अपने पैसों से ही कपड़े लेते हैं, इधर से टीचर नहीं है। आज दौरा हमारा समझी तुम, छोड़ो ना एक रात का लगाएंगे, घूमती भी जाओगी यहाँ से, अभी अभी तक तुम्हारी सिर्फ इज्जत कर दी, सोचिए कि तुम्हारी दोस्त थी, हमारे साथ पढ़ी लिखी और यूपी की रहने वाली, तुम्हारे घर वालों को भी जानते, लेकिन यकीन नहीं होता कि दिल्ली आके इतना बदल गई, उड़ के तुम्हारे पंख लग गए क्या? अच्छा तो तुम मुझसे हाथ उठाएगी? मैं तो कहती हूँ है इसको एक और तमाचा मार, तो अकल नहीं आ रही, अगर तू यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुझे पीटूंगी, और मैंने पीटना स्टार्ट करा ना तो किसको अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी, ठीक है ना? चाहूँ ना तो तुम तीनों को ना मजा चिखा सकती हूँ, और ऐसा ना जिंदगी भर जूते घिस जाएंगे। हमारे जूते घिसाएगी तो हमारी जूते घिसाएगी? हाँ अपनी औकात भूल रही है, इतनी देर से प्यार से बात कर रही है, इज्जत रास नहीं आ रही है, इतनी बेसिक आने के बाद भी यहाँ खड़ी, समझ में नहीं आती है बात एक बारी में? रास्तों से आएगी ना कोई इज्जत हो, इस दो कौड़ी पर टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत डिजर्व कहाँ से करती है, इज्जत समझेगी कहाँ से? मेरी बात ने कान खोलकर सुन ले, तू पहले भी मुझसे गरीब थी और तेरी हैसियत तो मुझसे कम थी और आज भी रहेगी, निकल यहाँ से। अच्छा अरे महक वो हाथ लगा रही है, अपने हाथ गंदे कर रही है, छी निकल यहाँ से। चल तुमने अच्छा नहीं करा, मेरी इतनी इंसल्ट करी और थोर मेरे बाल भी पकड़े, मुझे थप्पड़ ही मारा, आई कांट बिलीव दिस कि तुम इतनी लिचड़ हो सकती हो, इतनी गिरी भी हो सकती हो। महक मुझे लगता है ना इसका थप्पड़ से अभी पेट नहीं भरा, एक काम करते हम चारों ना अपने जूते से ना इसका सर फोड़ते हैं, तब इसे समझ आएगी। ओ मैम सुबान ना संभाल के बात करो, वरना ना भगवान के साथ साथ तुम्हारी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। देखो तुम्हारी बात बहुत सुन ली, अब अपनी शक्ल घुमाओ और निकलो यहाँ से। ओह डोंट टच मी ओके प्लीज, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। हाँ डिस्टेंस तुम बना के रखो, यहाँ मेरी गाड़ी है, लगता है इसे शौक है मेरी गाड़ी के टायर के नीचे पिचकने का। तुझे पता एक बात, तू ना मेरे टायर के नीचे आने के लायक भी नहीं है, मेरे टायर को भी ना तुझे देखकर घिन आ जाएगी, निकल यहाँ से। रियली तुम्हारे टायर की? अरे बच्चू अगर मेरी औकात देखोगी ना तो शायद तुम्हारी ये सैंडल्स की हील टूट जाएंगी, क्योंकि वो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, समझी? सीरियसली तेरे फ्रेंड इतने डेंजर है, आई कांट ब्लेम। ओह मैम प्लीज अपना ना मुंह बंद रखो। और वैसे तू यहाँ पे किसका वेट कर रही है, अपने जैसे फटीचर का ही कर रही होगी राइट? मैं बताती हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, मुझे तो लगता है इसने कोई अमीर बकरा फंसा लिया होगा। अभी बताया था ना तूने कि तूने यहाँ पर फ्लैट ले लिया है, पक्का अपने मालिक का वेट कर रही होगी। हाँ संभाल के रखो समझी, वरना तुम्हारी औकात दिखाने में एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे। हाथ नीचे करके बात करो, तुम नीचे करके बात करो, पता है माइंड योर लैंग्वेज, किससे बात कर रही हो तुम? रूबी तुम यहाँ क्या कर रही हो, सामान अनलोड हो गया, और ये लोग कौन है? अरे जय मीट माई फ्रेंड महक राणा, ये हमारी यूपी से ही थी, हम दोनों साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इसका रिजल्ट फेल हो गया था एंड मेरा पास हो गया था, लेकिन इसको ये बात पता नहीं थी, और ये आज भी मुझे वही गांव की गवार समझती है, ये लोगों को कपड़े देखकर जज करती है, इसका आज भी वही काम है। और महक हाँ आप गाड़ी की बात कर रहे थे ना लेवल और औकात की, तो मैं भी थोड़ा कंपेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी से और इस गाड़ी से, पता है कितने की है? 28 लाख की, और इसका फ्यूल और टायर वो तो तुम्हारी औकात से और तुम्हारे मेकअप के खर्चे से भी ज़्यादा है, तो प्लीज़ ना किसी को जज करने से पहले ना एक बार सोच लिया करो कि वो इंसान है, ठीक है उसकी औकात ऊपर और नीचे जा सकती है, जैसे तुम्हारी, तुम शुरू से घमंडी थी और आज भी घमंडी हो, 4 किलो का मेकअप थोप के चलिए स्टैंडर्ड बनाने। खैर छोड़ो इनको, चलो चलते हैं। और पहले ना बात करने का लहजा और तमीज सीखो पढ़ी लिखी गवार। अरे अरे महक क्या हुआ, इज्जत का फालूदा हो गया, कुछ ज्यादा हवा में उड़ गई थी तुम शायद, है ना? बेचारी की औकात चली थी दूसरों की औकात दिखाने, खुद की औकात दिख गई। चले दूसरी